केसी मालिक को सजा दो, दिल्ली का श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो। हम लोग हर दुर्घटना के ऊपर अपना प्रोटेस्ट करते रहे हैं, मेमोरेंडम करते रहे हैं, उनके लिए हम लोग लड़ते रहे हैं, उनके मुआवजे के लिए लड़ते रहे हैं। कहीं हमें पूरी जीत मिली है, कहीं हमको आंशिक जीत मिली है, लेकिन हमारा मेन मकसद जो है इसमें सिर्फ मुआवजा नहीं है, आगे ये घटनाएं ना हों। परंतु सवाल ये है कि इस समाज के अंदर जो पैसे वाले और फैक्ट्री वाले हैं, जिस नंबर दो से फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, उनके पैसे के सामने सारे प्रशासन झुक जाता है। अभी हम सिसोदिया से पहले भी मिले हैं, फिर मिलेंगे। अब यहाँ पुलिस प्रशासन आप देखते हैं कितनी दूर पीछे रोक देते हैं। जब बीजेपी ने किया तो वो केजरीवाल के घर के अंदर घुस गए, जब पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि राजनीतिक जो माहौल है वो मजदूरों के खिलाफ है। कंपनियों में कोई सुरक्षा नहीं है सर, ना ही मेडिकल दिया जाता है, ना ही पीएफ दिया जाता है, और 12 घंटे की 12,000 के वर्करों को खटाया जा रहा है। विशेष और हेल्पर को, हम कारीगर के पोस्ट में हैं, फिर भी 12,000 मिल रही है, जबकि 8 घंटे की 18,000 है। हेल्परों को 12 घंटे के लिए 10,500 में खटाया जा रहा है, और वर्करों के पीछे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है। वर्कर ठोकर खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और लेबर कोर्ट में भी दौड़ रहे हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महीना दिन, 6-6 महीना, 2-2 साल लग जा रही है। हाँ, डेट पे डेट लगे जा रहे हैं, इसके आगे और कोई सुनवाई नहीं है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ प्रदर्शन पे आए हैं सर। तो कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है सर, कोई सुरक्षा नहीं है। कुछ भी अपना उंगली कर जाए, कुछ भी कर जाए, घर बैठे रहो, कोई वेतन नहीं, कोई कुछ नहीं, बता तो दिए हैं। अनलीगली गैर कानूनी तरीका से खुलेआम चल रहा है, इसके ऊपर कोई कड़ाई नहीं है। आज की डेट में क्या, 2 साल पहले से ही, जब से मोदी सरकार बनी है, जब से मजदूरों की वो हालात हो गई है कि जी नहीं सकता। समझो, जिस फैक्ट्री में 12,000 तनख्वाह मिलती थी, वो आज 6,000 तनख्वाह दे रहे हैं। अब सेफ्टी क्या, मजदूर एक कमरे में 4 आदमी 5 आदमी, अगर 5,000-4,000 किराया दे रहा है, तो 3-4 मिल करके अपना कमरे किराए में रहते हैं। अब इससे तो कम गुजारा, एक आदमी 4,000 का किराया दे के रहेगा, 8,000 तनख्वाह मिल के, वो कैसे गुजारा करेगा। बहुत दिक्कत हो जाए नौकरी के, आदमी गरीब आदमी बहुत परेशान हो जा रहा है, डर ही है। कंपनी में कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी के आग लग जा रही है जर जा रहा है, किसी के रेप हो जा रहा है जर जा रहा है, किसी को बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। देखिए, हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम C2 की, मैं भी गया था, और हमारे 6-7 साथी और उस फैक्ट फाइंडिंग टीम के हिस्सा थे। हमने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। 250 गज की फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के बारे में बता देता हूँ। 250 गज की फैक्ट्री है, 250 मजदूर एक फ्लोर पे हैं। बहुत घने रूप से भी बैठें तो सिर्फ बैठने की जगह है, काम करने की भी जगह कम है, कोई निकलने का रास्ता नहीं है। एक पतला सा रास्ता है जहाँ से आप निकल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड की फैक्ट्री है, वायर्स हैं और इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ वहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें आग लगते ही उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसी कारण तुरंत जैसे ही आग लगी, उसके आधे घंटे के अंदर ज़्यादातर लोगों की जाने गई है, ऐसा हम लोगों को लगता है, ऐसा फैक्ट फाइंडिंग में पता चला है। ये भी हम लोग बता सकते हैं कि उस मुंडका क्षेत्र के अंदर करीब करीब 10,000 फैक्ट्रियां चलती है, बिना लाइसेंस के चलती हैं, इसी तरह की हालात में चलती हैं तमाम फैक्ट्रियां। और किसी भी फैक्ट्री में किसी भी टाइम अगर थोड़ा भी इंसिडेंट हो या कोई शॉर्ट सर्किट भी हो जाए, तो आग लगने के बाद किसी भी मजदूर को बचाने की कोई हालात वहाँ पर है नहीं। मालिकों ने एक तरह से कल्पेबल होमिसाइड की स्थिति वहाँ पे पैदा कर रखी है। हम सब लोग बहुत गुस्से में हैं। पिछले 10 सालों में करीब 1300 मजदूर अलग अलग फैक्ट्रियों में इसी तरह से मारे गए हैं। बवाना में पिछले साल, उससे पहले नागलोई के अंदर, और अलग अलग क्षेत्रों में, आप जिस क्षेत्र में देखें हर रोज घटनाएं होती है, 1-2 लोग मारे जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में मरने वाले लोगों की दुर्घटनाएं भी हर 2-3 महीने 6 महीने में एक हो रही है। तो 10 सालों में 1300 लोग मारे गए, सरकार बिल्कुल चेतने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो 98 के बाद से अब तक 25 रिपोर्ट है, 25 रिपोर्ट्स हैं जिसका हम लोगों ने स्टडी अभी कर रहे हैं, और उन सब रिपोर्ट्स में मोटे तौर पर सिमिलर
काइंड्स ऑफ डायरेक्शंस है, उन डायरेक्शंस में एक को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर बुनियादी जहां से शुरुआत होती है वो है फैक्ट्री इंस्पेक्टर, जो लाइसेंस देता है कोई भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए। वो लाइसेंस सबसे पहले तो बहुत लूज तरीके से दिया जाता है, उनके पास फैक्ट्री इंस्पेक्टर है नहीं, बिल्कुल एक छोटे से कमरे में एक जगह है जहाँ पे वो बैठते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, पैसे की लेन देन के बाद वो एप्लीकेशन फाइनल हो जाता है, कोई सिक्योरिटी मानदंडों मैनुअल्स का पालन नहीं करवाया जाता है। ये तो बात हुई कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों की, लेकिन उसके अतिरिक्त दिल्ली के अंदर करीब लाखों में फैक्ट्रियाँ ऐसी है जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में चल रही है, कच्ची कॉलोनी हो सकता है, झुग्गी बस्ती हो सकता है। बहुत क्लियर आदेश है कि 5 से ज़्यादा लोग अगर काम करते हैं तो वो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं हो सकता है, 3 का है, कई बार 5, आप 8 तक अलाउ कर सकते हैं, लेकिन जहां 200-250 लोग काम करते हैं वहां पे भी आप नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्रों में इंडस्ट्री चलाएं, ये भी CITU समझती है ये बात गलत है। दिल्ली सरकार को नए कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली के अंदर खोलने चाहिए, जैसे मुंडका का पूरा एरिया खाली है, वो पूरा कंझावला बेल्ट में आप 2-3 कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्र खोल सकते हैं, और दिल्ली NCR के आसपास के क्षेत्रों में भी दिल्ली सरकार जगह तलाश कर सकती है जहाँ पे कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्र हो, सिक्योरिटी के तमाम मानदंडों का पालन हो, फैक्ट्री इंस्पेक्टर की लगातार विजिट हो और मैनुअल्स का पालन हो, तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। यह असंभव नहीं है, पूरी दुनिया में रोका गया है, तो भारत में भी दिल्ली में भी ये संभव है। अभी दुनिया के पैमाने पे इतने इंसिडेंट नहीं हो रहे हैं, बहुत कम हो गए, भारत के अंदर और ख़ासतौर पर दिल्ली शहर के अंदर ये इंसिडेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर हम मुंडका फैक्ट्री के सवाल को लेकर जमा हुए हैं, जिस तरह फैक्ट्री में आग लगी और कई मजदूर, सबका डिस्क्रिप्शन अलग अलग है नंबर के लिए, लेकिन कई मजदूर मारे गए, किसी को अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कितने। उसमें ये है कि ज़्यादातर जो काम करती थी वो महिलाएं थी, 80% महिलाएं थी। हम सब जानते हैं मजदूरों की हालत क्या है दिल्ली में, देश भर में, लेकिन दिल्ली में भी। दिल्ली एक राजधानी है, हमारे मोदी साहब ने बोला कि वो देश में न जाने कितने स्मार्ट सिटीज़ बनाने जा रहे हैं, तो स्मार्ट सिटीज़ में क्या मजदूरों की हालत ऐसी ही होना है? पहले मजदूरों की हालत तो सुधारो, पहले मुंडका जैसी फैक्ट्रियों को 5-स्टार फैक्ट्री तो बनाओ, तब जाके स्मार्ट सिटी बोलने का मुँह रखना, ये हाल कर रखा है। औरतों का हाल तो ये है, न्यूनतम वेतन किसी को नहीं मिलता, समान काम का समान वेतन औरतों को नहीं मिलता, न्यूनतम वेतन तो दूर की बात है, उसके लिए हमारी लड़ाई है। एडेड लड़ाई ये है कि ज़्यादातर महिलाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो हाल है आपने देखा मुंडका फैक्ट्री, और भी जगहों पर आप देखिए, हम कितनी ही औरतों को जानते हैं अपने घर के आसपास की फैक्ट्रियों में काम करती हैं, 4-5 हज़ार रुपये में एक छुट्टी भी नहीं, आई एम रिपीटिंग, छुट्टी लो तो पैसा कटेगा, देर इज नो सिस्टम ऑफ PL SL CL, नथिंग। तो अभी सवाल ये है, दूसरा जो मैं कह रही थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है जिनकी यूनियंस भी नहीं होती हैं। हमने डोमेस्टिक वर्कर्स, एडवा ने दिल्ली में डोमेस्टिक वर्कर्स की यूनियन बनाई, उसको रजिस्टर करने के लिए आज 4 साल हो गए, लेबर ऑफिस में जूतियाँ रगड़ गई हमारी, आज तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, किसी ना किसी बहाने से वो उसको मना करते चले जा रहे हैं। अब जबकि ई श्रम में उनका नाम आ चुका है उस कैटेगरी का, डोमेस्टिक वर्कर्स का एज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हम उम्मीद करते हैं कि अब शायद हम रजिस्टर कर पाएं। आप ये हाल देखिए कोविड में उनका क्या हाल हुआ था। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो इनविजिबल है, हम सबकी नज़रों से इनविजिबल है, वो है होम बेस्ड वर्कर्स, घर में बैठकर पीस रेट पर काम करने वाली औरतें, जिनका ना कोई एम्प्लॉयर होता है, ना कोई कायदे कानून होते हैं, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना कोई तनख्वाह होती है। देखिए, जीवन की कीमत सबकी एक है, चाहे मजदूर हो चाहे अमीर हो,
सबसे पहले तो एक भद्दा मजाक किया दिल्ली सरकार ने कि 10 लाख रुपए उन नौजवान मजदूरों की मौत के लिए मुआवजा घोषित किया, जो बहुत ही कम है। हम लोग अभी ये मांग कर रहे हैं कि 50 लाख रुपया कम से कम मुआवजा दिया जाए। बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जिनकी इसी साल शादी हुई है, पूरी फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारी महिला मजदूर है जिनके बच्चे बिल्कुल छोटे हैं। तो 50 लाख से कम का मुआवजा इसमें मांगा नहीं जा सकता, पहली बात यहाँ से शुरू होती। दूसरा, हम लोग ये लगातार मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के फैक्ट्री इंस्पेक्टर की प्रॉपर ऑफिस को ठीक किया जाए। एक तो अभी एक सिंबॉलिक संदेशा देना पड़ेगा, उनको सस्पेंड करना चाहिए, हम लोगों की ये मांग है, क्योंकि वो कोई नियमों का मैनुअल्स का पालन नहीं करवा पा रहे, ये दूसरा हम लोगों का मांग है। दिल्ली सरकार के जो लेबर मिनिस्टर हैं और दिल्ली सरकार की जो मिनिस्ट्री है, उससे हमारी मांग है कि कन्फॉर्मिंग औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या दिल्ली के अंदर प्लान करके बढ़ाएं और वहाँ पे तमाम सिक्योरिटी मानदंडों का पालन करें। इन मांगों के साथ आज के प्रदर्शन के लिए हम लोग आए हैं। साथ ही साथ जो न्यूनतम वेतन का सवाल है 17,000 रुपया, वो सभी औद्योगिक क्षेत्रों में लागू हो, वो भी साथ ही साथ हम लोग इनको ज्ञापन देके बताना चाहते हैं। धन्यवाद।